गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एटॉमिक रेडियस एंड इट्स स्ट्रेंथ इन ग्रुप एंड पीरियड. स्टूडेंट्स, अर्लियर टू दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वैलेंसी, वेयर वी हैव सीन दैट डाउन द ग्रुप वैलेंसी इज सिमिलर. दैट इज, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप वन, देन ऑल द एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू ग्रुप वन हैव वैलेंसी वन. Similar is for group 2, for group 13 it is 3, for group 14 it is 4, okay? So students, as today's topic is atomic radius, so we must have to know what is atomic radius. So students, if we are going to define atomic radius, it is simply the size, you can say, of an atom, which is usually expressed in term of its radius, okay? एटम का साइज बेसिकली बताता है, जो कि एक्सप्रेस किया जाता है उसके रेडियस के टर्म में. और स्टूडेंट, ये रेडियस है क्या? एटॉमिक रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल. मतलब अगर कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है, सपोज करिए ये इसकी फर्स्ट सेल है, सो ये जो डिस्टेंस है, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी इसकी एटॉमिक रेडियस. या स्टूडेंट सपोज करिए इसमें नंबर ऑफ सेल 2 हैं, तो अगेन जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, मतलब न्यूक्लियस से लेके जो आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस होगी, वही क्या होगा, इसे ही हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस. ओके, नाउ स्टूडेंट्स I can explain directly that what is the trend of atomic radius in group and period. हम directly बता सकते थे कि trend क्या है, लेकिन students आपको कुछ factors जानने ज़रूरी है. Basically दो ही factors हैं जो atomic radius को govern करते हैं. मतलब अगर हम direct बोलें तो down the group atomic radius increase करता है, left to right atomic radius decrease करता है. Exception noble gas के case में आती हैं, उनका atomic radius सबसे ज़्यादा होता है एक period में. Students, ये किस base पे हम बताते हैं? इट इज़ बेस्ड ऑन वेरी फर्स्ट फैक्टर, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल, कितने नंबर ऑफ शेल हैं, और सेकेंड होगा न्यूक्लियर चार्ज. सो स्टूडेंट्स, जब हम इलेक्ट्रॉनिक शेल की बात करते हैं, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल होते हैं, जब वो इंक्रीज करते हैं, तो जो डिस्टेंस है आउटर मोस्ट सेल का न्यूक्लियस से, वो इंक्रीज करेगा. अगर ऐसा होगा तो कंसिक्वेंटली क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस, या जैसे हम एटॉमिक साइज भी कहते हैं, वो इंक्रीज कर जाएगा. आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ नंबर ऑफ सेल 2 ही हैं, ठीक है, और यहाँ पे 3 है. तो नंबर ऑफ सेल जब 2 हैं, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस थोड़ी कम है, लेकिन जब नंबर ऑफ सेल 3 हो गए, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर गया. सेकेंड थिंग इज स्टूडेंट अबाउट न्यूक्लियर चार्ज. सेकेंड फैक्टर क्या है? न्यूक्लियर चार्ज. सो स्टूडेंट, न्यूक्लियर चार्ज को समझने के लिए आपको सीधे ये समझना है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है. लेकिन सपोज करिए अगर दो एटम हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल है, जैसे कि इन दोनों के केस में हमने कार्बन का एग्जांपल लिया और ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया, दोनों के केस में नंबर ऑफ सेल क्या है, 2. सेंटर में आपका न्यूक्लियस दिख रहा है, ये नंबर 1 सेल और ये नंबर 2 सेल, ठीक है. अब स्टूडेंट्स क्या होगा, जब ऐसा केस आता है, तो जिसके पास हायर न्यूक्लियर चार्ज है, उसका रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा. अब हायर न्यूक्लियर चार्ज हम कैसे बता सकते हैं? अगर कार्बन है तो इसके लिए हम कहेंगे कि इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 4 to 6, प्लस 6 है. कार्बन का न्यूक्लियर चार्ज प्लस 6 है, लेकिन ऑक्सीजन का कितना है, प्लस 8. तो ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसलिए इसका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो क्या होगा, कम होगा, ओके. और इसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, दैट इज़ कार्बन का. तो एक ये फैक्टर हो गया स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे सीधे सीधे देख रहे हैं, कार्बन के केस में एटॉमिक रेडियस आपका 77 पिकोमीटर है, जबकि ऑक्सीजन के केस में है 66 पिकोमीटर. तो ये दो फैक्टर होते हैं जो बेसिक ध्यान दिया जाता है कभी भी जब हमें ट्रेंड बताना है एटॉमिक रेडियस का. अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो वेरिएशन एटॉमिक रेडियस का इन अ ग्रुप, ग्रुप में क्या होता है एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन. सो सीधी सी बात आपको बस इतनी दिमाग में रखनी है स्टूडेंट, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, एज इफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है, जो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं, और जैसे ही नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं,
तो ये ओवर रूल कर जाता है न्यूक्लियर चार्ज को, और इसी फैक्टर को हम ध्यान में रखते हैं जिसकी वजह से आपका एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए, नंबर ऑफ सेल्स दिए। सॉरी स्टूडेंट्स कुछ मिसमैच हुआ है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। इस पूरे टेबल को आप एक साथ रख लीजिए, ये पूरा एक साथ हो जाएगा, एलिमेंट और उनका एटॉमिक नंबर, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका सेकंड पार्ट है जो कि यहाँ से बन रहा है। नंबर ऑफ सेल के लिए आप एक अलग कॉलम बना लीजिए स्टूडेंट्स। जब हमें नंबर ऑफ सेल देना है तो आप जान रहे हैं हाइड्रोजन के केस में 1 होती है, लिथियम के केस में 2 होती है। जैसे जो पीरियड है उतने नंबर ऑफ सेल रहेंगे, अगर फर्स्ट पीरियड है तो 1 सेल, सेकंड पीरियड है तो 2 सेल, थर्ड पीरियड है तो 3 सेल। तो यहाँ पे आपको यही देखना है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज की तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस 37 है, लिथियम का 152 है, सोडियम का 186 है, मतलब ये इंक्रीज ही करते जा रहा है। तो हमें जो कॉन्क्रीट पैटर्न मिला ग्रुप में ये पैटर्न मिला कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है। स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, डायरेक्ट आपको पूछेगा व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, गिव द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल, या आपसे पूछ सकता है कि इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ओके, विच ऑफ द एलिमेंट हैज हाईएस्ट एटॉमिक रेडियाई, किस एलिमेंट के पास ज़्यादा हाईएस्ट एटॉमिक रेडियाई है। तो स्टूडेंट्स आप जान रहे हैं, आप ऑर्डर जान रहे हैं ग्रुप में, सोडियम पहले आता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अगर हम पोटेशियम की बात करें इसका एटॉमिक नंबर 19 है, ठीक है, तो 19 है और थर्ड पीरियड में आता है, इसमें नंबर ऑफ सेल 3 है, इसमें नंबर ऑफ सेल 2 है, जब नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है तो इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, ज़्यादा, दैट इज पोटेशियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियड। जब हम पीरियड में मूव करते हैं स्टूडेंट्स तो नंबर ऑफ सेल कॉन्स्टेंट रहती हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट पीरियड की ही बात करें तो फर्स्ट पीरियड में हम कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके लिए नोबल गैस हमेशा एक्सेप्शन है, नोबल गैस का एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। बेसिकली हम जानते हैं नोबल गैसेज नॉन रिएक्टिव हैं, वो रिएक्ट नहीं करती हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, ठीक है। तो जो दो नोबल गैसेज हैं उनके बीच के डिस्टेंस को हम वंडर वॉल फोर्सेस के बीच के रूप में देखते हैं। बाकी में आप देखते हैं कोवेलेंट रेडियस दिखता है, कहीं मेटेलिक रेडियस दिखता है, तो इन सब में क्या होता है जो डिस्टेंस होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। और एक फैक्टर हमारा न्यूक्लियर चार्ज है, तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होगी, बस एक्सेप्शन कहाँ पे आ जाएगा आपके नोबल गैसेस में। आप यहाँ स्टूडेंट्स ये टेबल देख सकते हैं, अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम का एटॉमिक रेडियस 152 है, बेरिलियम में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज आप देख सकते हैं +4 हुआ, इसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुआ लिथियम से, कितना हुआ 111। फिर जब हम बोरॉन पे आए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा +5 हुआ, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज किया 88 पिकोमीटर आया। कार्बन के केस में ऐसे कार्बन का +6, नाइट्रोजन का +7, ऑक्सीजन का +8, क्लोरीन का +9। तो जो ट्रेंड हम देख रहे हैं जब हम पीरियड में मूव करते जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस क्या होते जा रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है। बस हम नियॉन मतलब नोबल गैसेस को हम इसमें नहीं लाते हैं, वो एक एक्सेप्शन हो जाती हैं। तो जब हमें कंक्रीट स्टेटमेंट देनी है स्टूडेंट्स तो हम यही कहेंगे एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ये डिक्रीज करता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू।